सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दां था, तो दूसरी जानिब यहूदी फलस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फहम व फरासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुकद्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेजों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। तहसीन पाशा आपको कुछ दस्तावेजात देंगे, उनमें पाशा हजरत के बारे में तमाम मालूमात दर्ज हैं। वो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, सब इसमें दर्ज है। आपको उनके हर कदम पर नजर रखनी होगी, वो भी आज ही से। मेरा मकसद कुछ और है। और वो क्या है? 3 के ऐवान में अक्सरियत का हसूल, इसलिए हम दोनों का वहां होना बहुत जरूरी है। अब्दुल हमीद के तमाम मुखालिफिन को मुत्तहिद करके उसे मासूल कर देंगे। कुछ समझ नहीं आया मुझे, लेकिन मैं पुरजोश हूं। यही तो मैं चाहता हूं। आप ये देखना चाहते थे कि मैं चल सकता हूं या नहीं, क्योंकि दूसरे पाशा हजरात की तरह मुझ पर भी शक किया जा रहा है। आज से हम तहसीन पाशा, इस्माइल हकी साहब और आप भी तमाम खुफिया फैसले यहां तय करेंगे। हम रियासत को आगाह करेंगे कि अशरफ अजीज गुंडों में शामिल हो चुका है। हम उसके खिलाफ शवाहिद इकट्ठे करेंगे। मैंने जितनी बंदूकें खरीदी उनमें से एक बंदूक कम है। यानी कि वो चोरी हो गई। सलीम पाशा को कैसे इल्म हुआ कि वो शख्स कौन सा अखबार लेकर आने वाला है, कि उन्होंने उसी जैसे अखबार पर जहर लगाकर उस शख्स को वापस कर दिया? ये लोग तुलबा नहीं बल्कि गद्दारों का टोला है। अब पाशा, मैं चाहता हूं कि फौरी तौर पर इनकी गिरफ्तारी के अहकाम जारी किए जाएं। सिपाहियों, निशाना लो। कब्रिस्तान से बाहर ना आने वाले तुलबा पर गोली चलाने की इजाजत तलब की है? बिल्कुल नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होगा। मैं सिफारत खाने की सवारियां लेकर कब्रिस्तान जाऊंगा और उन तलबा को वहां से निकाल लूंगा। बिदार सुल्तान की सेहत अब बेहतर हो रही है, वो जल्द सेहतियाब हो जाएंगी। इससे बुरी और क्या खबर हो सकती है? ऐसा मत कहिए, हम नहीं चाहते कि किसी को कोई तकलीफ पहुंचे। सही कहा ना? आप तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही हैं। कुछ ज्यादा तो नहीं हो गया? लिबास तब्दील कर ली क्या हम? नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। क्या आप? जी, उनसे ही मिलने जा रहे हैं हम। जल्द आपको मालूम हो जाएगा कि वो कौन है। अल्लाह पाक सुल्तान मौजम की और बीदार सुल्तान की उम्र दराज फरमाए। आमीन आमीन। आपने इस मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया मेजियत, आपका बहुत शुक्रिया। मैं तो दुआ करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकी। मेजियत, आप हम सब के साथ हैं, इतना ही काफी है। जाने से पहले सुल्ताना से मिलना चाहती हूँ मैं, अपनी नेक ख्वाहिशात उन तक पहुँचाना चाहती हूँ। वो भी मुकम्मल तौर पर सेहतियाब नहीं हुई, जब वो पूरी तरह ठीक हो जाएंगी तो आप किसी मुनासिब वक्त पर उनसे मिल लीजिएगा।
हम बिल्कुल ठीक हैं। सुल्ताना, मैं आपके लिए बहुत फिक्रमंद थी। फिक्र की कोई बात नहीं है, हम ठीक हैं। आपने देख लिया होगा, अब आप जा सकती हैं। वालिदा, शायद हमारे बेटे ने आपको साफ अल्फाज में नहीं समझाया, इसीलिए आप दोबारा यहाँ चली आई। तो फिर हम आपको खुद बताते चले कि हम आप दोनों की शादी के हक में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमें आप पर भरोसा नहीं है। वालिदा, अभी आप दवाओं की जेरे असर हैं, इसलिए ऐसा महसूस हो रहा है। हमारी सेहत और रद्द अमल दोनों अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। हम आपको अपने बेटे के करीब भी नहीं देखना चाहते। अगर ऐसा है तो फिर अब आप अपने बेटे को भी नहीं देख पाएंगी। क्या मतलब है इस बात का? अब्दुल कादिर, अब्दुल कादिर, वापस आइए, कहां जा रहे हैं आप? अब्दुल कादिर, हमने कहा वापस आइए। अब्दुल कादिर, हम कैसे लग रहे हैं? बहुत खूबसूरत। अगली बार आपको भी उनसे मिलवाएंगे? हाँ जरूर, हम भी जानना चाहते हैं कि हमारी बहन किससे शादी की ख्वाहिशमंद है। पाशा, उम्मीद है कि ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा होगा। ऐसी कोई बात नहीं है शहजादी, मैं भी बस अभी आया था। आइए। आपने मुझे जो खत भेजा उसमें लिखा था कि आप मुझसे मिलकर कोई अहम बात करना चाहती हैं। सच कहूं तो मुझे हैरत हुई। पाशा, हमने सुना है कि आपको फ्रांसीसी जबान पर उबूर हासिल है। जी ऐसा ही है शहजादी। हमारे पास हमारे खानदान के कुछ खतूत हैं, लेकिन वो खतूत फ्रांसीसी जबान में लिखे गए हैं। पाशा, क्या आप हमें तर्जुमा कर देंगे उनका? जी जरूर शहजादी। सुल्तान मौसम, कब्रिस्तान में मौजूद फौजी दस्ते का एक कमांडर आया है, उसे अहमद पाशा ने भेजा है, वो वजीर आजम साहब से मिलना चाहता है। उन्हें यहाँ बुला लीजिए। जैसा आपका हुक्म सुल्तान मौसम। दरवाजा खोलिए, आइए कमांडर। आ जाइए। सुल्तान मौसम, मैं गोली चलाने के लिए इजाजत तलब करने आया हूं। हम ऐसा कोई हुक्म नहीं दे सकते। सुल्तान मौसम, अब बात सिपाहियों के वकार पर आ गई है। अखबारात में सिपाहियों का मजाक उड़ाया जाएगा। ये वजीर आजम पाशा का हुक्म था, इनकी वजारत पर भी बात आएगी। हम हुक्म के मुंतजिर हैं। हम ऐसा कोई भी हुक्म नहीं देंगे कमांडर। ये बात जाकर बता दें अहमद पाशा को। जो आपका हुक्म। बग्गी आ रही हैं। शायद हमें लेने आए हैं। मेरे भाइयों, ये बग्गियां बरतानवी सिफारत खाने से आई हैं। ये हमें यहाँ से बचा लेंगे। क्या हम उस्मानी सिपाहियों के सामने खुद को बरतानवियों के हाथ बेच देंगे? मेरे अजीज भाइयों, हम खुद को बेच नहीं रहे, सिपाहियों के सामने साबित कदम रहकर अब्दुल हमीद के जुल्म की दीवार का मुकाबला कर रहे हैं। फिर चाहे सिपाही हम पर गोली ही क्यों ना चला दें, हम पीछे नहीं हटेंगे। वो हमारी जान ले सकते हैं, लेकिन सोच नहीं बदल सकते। वाह 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 वाह। हाँ जनाब फर्नांडेस, क्या देख रहे हैं आप? उस्मानी सिपाहियों ने अपने ही जवानों पर बंदूक तानी हुई है, और ये नौजवान हमारे मुल्क बरतानिया से मदद के तलबगार हैं। ये मंजर किसी कौम की बेचारगी का बेहतरीन मुजाहिरा है। तो फिर आप इन नौजवानों को कब बचाएंगे? तमाशा शुरू होने का इंतजार कर रहा हूँ।
उस्मानी सिपाहियों की गोली की आवाज सुने बगैर मुखालिफत नहीं करूंगा। मैं आखिरी बार तंबीह कर रहा हूँ, खुद को हमारे हवाले कर दो या फिर आप क्या करेंगे अहमद पाशा? सुल्तान के वफादार अहमद पाशा, जो करना चाहते हो करो, गोली मारनी है तो मार दो। हमने सुना है आप फिर गुंडों के साथ मुलव्वस हैं कमांडर। हमें जो काम सौंपा गया था उसका सिरा दहशतगर्दों तक नहीं बल्कि मुल्क की सलामती के लिए खतरे तक पहुंचता है पाशा। अगर आपके पास मालूमात हैं तो बताइए। रियासत के पास कानून नाफिज करने वाले इदारे मौजूद हैं। आपको वापस अकाबा जाना होगा। मैं मुल्क की सलामती की बात कर रहा हूँ और आप कानून के नफाज पर फिक्रमंद हैं। अस्पताल पर छापा और अखाड़े में लड़ाई के बारे में क्या ख्याल है? कुछ भी वैसा नहीं है जैसा दिखाया गया है। जो जरूरी था वही किया मैंने। मेरा काम कानून नाफिज करना है और आपका काम तहकीकात करना। आप मुझसे तफ्तीश कर सकते हैं और मैं अपना दिफा करूंगा। खैर, इस बात को छोड़ें और अकाबा जाने की तैयारी करें कमांडर। मैं यही रहूंगा पाशा। मैंने हुक्म दिया है आपको। मैं ऐसे किसी हुक्म पर अमल नहीं करूंगा। कमांडर, मामले को मजीद मुश्किल मत बनाइए। आपका काम अकाबा में है। हमारी तायनाती पायतख्त के लोगों पर मुनसर है पाशा। ये कौम हर रात सोने से पहले और पांचों वक्त की नमाज के बाद खाने के हर लुक्मे के साथ हाथ उठाकर दुआ करती है, या रब्बी उन लोगों को मौका ना देना जो हमारे मुल्क को तकसीम करना चाहते हैं। जब भी ऐसा कोई संगीन मसला पैदा होता है तो अशरफ अजीज पीछे नहीं हटता और आप कहते हैं कि मैं पीछे हट जाऊँ। चाहे कुछ भी हो जाए मेरा फैसला नहीं बदलेगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मुल्क की सालमियत के लिए खतरा बनने वाले वाकयात बताइए, हम उसके खिलाफ इकदाम करेंगे। आपने तो अभी तक वो नहीं देखा जो आपकी आंखों के सामने हो रहा है। रियासत को अंधों पर नहीं छोड़ूंगा मैं। आपने उन लोगों की आवाज़ नहीं सुनी जो रियासत से बगावत करते हैं और उसके टुकड़े करना चाहते हैं। मैं रियासत बहरों पर नहीं छोड़ूंगा और इस मसले से खुद निपटूंगा मैं। आपके कंधों पर मौजूद रुतबे का तकाजा है कि आप मेरे हुक्म के पाबंद हैं। मेरे कंधे पर सिर्फ एक रुतबा है और वो है सिर्फ इस रियासत की पाक मिट्टी। हमारे लिए एक मुश्किल सूरत हाल पैदा कर दी गई है। उम्मीद है कोई भी सिपाही गोली नहीं चलाएगा, वरना हम उस मुश्किल में फंस जाएंगे कि फिर इस बारे में अगर कोई भी कुछ भी कहेगा तो सही समझा जाएगा। तीर कमान से निकल चुका है, अगर किसी सिपाही ने गोली चलाई तो। सुल्तान-ए-मौज़्ज़म अहमद पाशा ने एक तालिबे इल्म को गोली मार दी है।
शुक्रिया। मलिका, कहीं ये ख्वाब तो नहीं? सुल्ताने मौसम, हमारी मोहब्बत, हमारी दिलो जान के मालिक, आपके पास आ गए हम। खुश आमदीद। आपके हाथ ठंडे हो रहे हैं। अब ये आपकी सोबत और आपकी मोहब्बत से गर्म हो जाएंगे। आइए, अंदर आ जाइए। इस संदूक में क्या है? क्या आप अपने हमरा जेवरात तो नहीं लाई हैं? जेवरात नहीं है, हमारा जरूरी सामान है। सुल्ताने मुअज्जम का तोहफा है, इसे छोड़ नहीं सकते थे हम। चलो फिर देखते हैं। कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा, फिक्र न करें। अब हम सुल्ताने मुअज्जम के साथ हैं, इसलिए फिक्र की कोई बात नहीं है। आपकी जोजा सालिया सुल्तान अब यहीं कयाम करेंगी। ठीक है, हुकूमत का हमारी जानिब से शुक्रिया अदा कीजिएगा। बैठिए मलिका। इसके लिए माजरत, हमारे अवाम का क्या हाल है? पाए तख्त का क्या अहवाल है? अवाम परेशान है। इंतजामिया भी अब तक कुछ समझ नहीं पा रही है, लेकिन अवाम आपकी मुल्क बदरी को रोकने के काबिल ना होने पर काफी पशिमान है। यहाँ आते हुए रेलवे कयामगाह पे जब सिपाहियों ने बताया कि हम आपकी अहलिया हैं, तो एक बूढ़ा आदमी अंडों से भरी टोकरी हमारे पास ले आया, कहा कि ये सुल्ताने मुअज्जम के पास ले जाए। हम बतौर कौम उन लोगों को ना रोक सके जिन्होंने उनके साथ ज्यादती की और उन्हें माजूल कर दिया। ये कहते हुए वो सारों कतार रोने लगा, और साथ ही आसपास मौजूद लोगों ने अपने पास से कुछ दीगर सामान देने की कोशिश की, लेकिन सिपाहियों ने रोक दिया था उन्हें। उसी लम्हे में एक औरत हमारे पास आई, उसने ये दिया हमें, हमने इसे अभी तक नहीं खोला, ये ले। अब पढ़ के सुनाइए। जैसे ही मुझे मालूम हुआ कि आपकी अहलिया आपके पास जा रही है, तो मैंने फौरन कागज कलम हासिल करके ये मकतूब लिखा है। मैं बलद से हशमत साहब की बेटी सानिया हूँ। मुझे नहीं मालूम कि आपको याद है या नहीं, एक रात मेरे शोहर ने महल में आपको टेलीग्राम भेजा था। वो कैशदाजी में एक जंगल के करीब काम करता था, और इन दोनों सर्दियों का मौसम था। उस रात वो घर वापस नहीं आ सकता था, और मैं हामला थी, पैदाइश का वक्त भी करीब था। आसपास ना तो कोई रिश्तेदार था और ना ही कोई पड़ोसी। मेरे शोहर ने सोचा कि अगरचे हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है, लेकिन हमारे बाबा है, और यही सोच के उन्होंने उस रात आपको वो टेलीग्राम भेजा था कि वो किसी तौर घर नहीं पहुंच पाएंगे, और पैदाइश का वक्त भी बिल्कुल करीब आता जा रहा था। आपने फिलफौर महल से सिपाहियों को मेरी तरफ रवाना किया था, और वो मुझे अस्पताल ले गए। मैंने एक सेहतमंद बच्चे को जन्म दिया। अगर आप ना होते तो शायद उस रात मैं और मेरा बच्चा दोनों मर चुके होते। आप हमारे बाबा हैं। हमने अपने बेटे का नाम अब्दुल हमीद रखा है। आपने हमारे लिए जो किया वो हम कभी नहीं भूलेंगे। कातिल है अहमद पाशा, कातिल! आपको क्या लगता है आप क्या कर रहे हैं? सिपाहियों, निशाना लो।
अगर तुम लोग बाहर नहीं आते हो तो तुम्हारा अंजाम भी तुम्हारे दोस्त जैसा ही होगा। हमारे बाहर निकलने या ना निकलने से फर्क नहीं पड़ता, तुम वैसे भी हमें मार दोगे। सल्तनत उस्मानिया के पाशा की हैसियत से वादा करता हूँ कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। तफ्तीश के बाद रिहाई दे दी जाएगी। क्या हम एतमाद कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। जैसा कि मैंने कहा, सल्तनत उस्मानिया के एक पाशा की हैसियत से तुमसे वादा करता हूँ, खुद को हमारे हवाले कर दो। हमें कुछ बुरा करने पर मजबूर मत करो। सिर्फ इसी तरह तुम खुद को बचा सकते हो। इनकी बात मान लेते हैं। हाँ, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं। हम खुद को हवाले कर रहे हैं। चलो। अहमद पाशा, अहमद जलालुद्दीन पाशा, आप ये क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं आप? ये तलबा, ये जितने भी बच्चे हैं, हमारी हिफाजत में सरजमीन में दाखिल हुए थे, हमारे पास पनाह ली थी, और आप जबरदस्ती इन्हें यहाँ से बाहर निकाल रहे हैं। सुने, सिफारत खाने की बग्गियाँ वहाँ पर इनकी मुंतजिर हैं, इन्हें साथ लेकर जाऊंगा मैं। मेरे पीछे खड़े सिपाही नजर आ रहे हैं तुम्हें? हाँ, वो मेरे एक इशारे के मुंतजिर हैं। रियासत की खातिर तुलबा का लिहाज न करने वाला अहमद जलालुद्दीन पाशा तुम्हारे साथ क्या कर सकता है, सोचा है कभी? हाँ, सुल्तान मौसम, वजाहत दीजिए पाशा, आपने खुलेआम एक तलब इल्म को गोली मार दी। बिला मकसद नहीं किया ये, बल्कि तुलबा ने हमें ये सब करने पर मजबूर कर दिया था। सुल्तान मौसम, तुलबा पर खुलेआम गोली कैसे चला सकते हैं आप? अगर ऐसा करके उन्हें न रोकता तो वो खुफिया दस्तावेजात बरतानिया के हवाले कर देते। सुल्तान मौसम, जासूस वाकयात के पेश आने से पहले एहतियाती तदाबीर अख्तियार करते हैं, ना कि आखिरी लम्हात में जज्बाती इकदामात करते हैं। उन्होंने आपकी और मेरी तौहीन की है, और अहम बात यह है कि हैकलर तुलबा और उनके हमरा वो खुफिया दस्तावेजात अपने साथ ले जाने वाला था। ये सिपाहियों के वकार की बात थी, बिलाखिर मैंने इस सब पर काबू पा लिया, लेकिन मुझे तुलबा के साथ एक मुआहदा करना पड़ा। मैंने उनसे वादा किया कि अगर वो खुद को हमारे हवाले कर दें तो उन्हें रिहा कर दिया जाएगा, इसलिए तफ्तीश के बाद मैं उन्हें फौरी रिहा कर दूंगा। नहीं, आप उन्हें रिहा नहीं करेंगे। जिस तरह इन सिपाहियों की इज्जत है, उसी तरह हमारी रियासत की भी इज्जत है। अब चूंकि आपने उन्हें गिरफ्तार किया है, तो वो आज रात महल में ही कायम करेंगे, आप कल उन्हें रिहा कर देंगे। और हम भी उन तलबा से बात करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि उन्होंने ऐसा काम क्यों किया। सैलानिक में लॉज के साथी अराकीन आखिर कौन कौन है? नंबर 14, मिहाइल। हाँ, मिहाइल इस्कालियरी का भतीजा, ठीक है। नंबर 17, मेरा दोस्त करासू, इसके बारे में तो मालूम था, बस नंबर नहीं जानता था। नंबर 27, आइज़ैक साहब। आप उस सल्तनत की नुमाइंदगी करते हैं जिस पर सूरज कभी गुरूब नहीं होता, लेकिन मुझे वो अंधेरा पसंद है जो सूरज गुरूब होने के बाद रहता है। जनाब आइज़ैक फर्नांडेस। नंबर 21, इस नकाब के पीछे कौन है और उसकी क्या ताकत है? मैं अब्दुल हमीद के करीब तरीन पाशा हजरात में से एक हूँ। अच्छा, तो आप मैसन पाशा हैं जो अब्दुल हमीद के करीब तरीन है।
खुशामदीद बच्चों, हमें मालूम हुआ कि आपने बरतानिया से सियासी पनाह तलब की है। आप इस मुल्क में पैदा हुए, इस रियासत ने आपको तालीम दी, इसने आपको इंजीनियर बनाया, लेकिन अब आप चाहते हैं कि बरतानिया आपको सियासी पनाह दे, मगर क्यों? क्योंकि हमें अपने मुल्क में आजादी हासिल नहीं है, क्योंकि उसमें आईन लागू नहीं है। लेकिन हमने आईन का इतलाक किया है और खुद मजलिस कानून साज को बंद कर दिया। पाशा, अगर हमने मजलिस कानून साज को बंद ना किया होता तो पूरा मुल्क रूसी हुकूमत के मातहत होता। हमेशा एक ही बात की जाती है, हम अब लोगों को एहसास दिलाने के लिए मजीद इसकी वजाहत नहीं करेंगे। जब हम तख्तनशीन हुए तो मिथक पाशा रियासत को रूस के साथ जंग में झोंक के तुलबा तंजीमों को मुतहरिक करके हमें तख्त से उतारना चाहते थे। जब जंग शुरू हुई तो मजलिस कानून साज के कुछ खास अरकीन ने रूस को मालूमात फराहम की। अब हालात बदल गए हैं, मजलिस कानून साज बहाल कर सकते हैं। अब भी वही सूरत हाल है, हम बरतानिया और फ्रांस जैसी कौमें नहीं हैं, हमारे ज़ेर इख्तदार 72 कौमें हैं। अगर हम मजलिस कानून साज को दोबारा खोलते हैं तो फिर नतीजे के तौर पर तुर्क कैदी होंगे और इस्लाम पर पाबंदी होगी। लेकिन आजादी, आप बरतानिया को खुफिया मालूमात फराहम करके आजादी लेना चाहते हैं। हम अपने दोस्त को देखना चाहते हैं, हमें यकीन दहानी करनी है कि वो जिंदा है। आपका दोस्त ठीक है और उसका इलाज जारी है। हमें ये बताइए कि किसने आपको ऐसा करने पर राग़िब किया? ठीक है, आप आज रात हमारे मेहमान होंगे, कल आपको रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन रियासत आपके किए को कभी नहीं भूलेगी। मैं जानता हूं कि तलबा महल में है। ठीक है पाशा, तो फिर हम अपना पहला इकदाम करेंगे। मैं अहमद पाशा को महल से तलबा को अगवा करने का हुक्म दूंगा। वो सब तलबा सुबह महल में नहीं होंगे और आप बाकी के मंसूबे को मुकम्मल करेंगे। ठीक है पाशा। वालिदा, आपको क्या हो गया है? आप क्यों इतना बदल गई हैं? आप ठीक नहीं हैं वालिदा, आप गजबनाक रहती हैं, बात बात पर गुस्सा करती हैं, इसलिए अब्दुल कादिर भी चले गए। आपा के साथ भी ऐसी ही थी। हम फातिमा और आलिया के साथ आपके बर्ताव के बारे में बात नहीं कर रहे, हमें तबीबा से बात करनी चाहिए। शायद वो आपको ऐसे अद्वियात दे जिससे आपको सुकून मिल सके। आप क्या कहना चाहती हैं नाइमे? आप हम पर इल्जाम लगा रही हैं क्या? हमने सोचा शायद आप बेहतर महसूस करें। हमें किसी तबीब या किसी दवा की जरूरत नहीं है नाइमे, हम ज़हनी तौर पर बिल्कुल ठीक हैं। हम माफी चाहते हैं, हमें मालूम नहीं था कि आप किसी निजी मामले पे बात कर रहे हैं। हमारी बात खत्म हो गई है, हमने हतमी फैसला कर दिया है, अब ये मामला खत्म हो गया, आप यहाँ रुक सकती हैं। नाहिमे, क्या आप ठीक हैं? हमें गुजरे हुए पुरसुकून दिन बहुत याद आते हैं। मीम ये मनियास, मनियास से ज्यादा आपने मुझे एक खुफिया पैगाम भेजा है, लेकिन ये किससे मुतालिक है? सिपाही, वो अखबारात लेकर आए जिनकी इशात पर पाबंदी है, लेकिन हम मालूमात के लिए उन्हें देखते हैं। जो हुक्म पाशा। ये लीजिए पाशा।
देखते हैं कि अहमद रजा ने क्या लिखा है। हमें फॉरन बैलेंस योग के गोदाम में मिलना है। मीम ये है। क्या पाशा हजरत का ताकुब करते हुए कोई मशकूक सूरत हाल सामने आई? अहमद पाशा का ताकुब कौन कर रहा था बताइए? क्या अहमद पाशा कब्रिस्तान में तुलबा से मिलने से पहले कहीं गए थे? उन्होंने सिर्फ नजरबंद अफराद से मुलाकात की, कुछ भी मशकूक नहीं था। क्या आप उनका हमेशा ताकुब करते हैं? जी सुल्तान मोअज्जम, हम सिर्फ महल के अंदर उनका ताकुब नहीं कर सकते लेकिन महल से बाहर हर जगह ताकुब करते हैं। आफरीन, हम मुश्किल दिनों से गुजर रहे हैं। हमारी रियासत के लिए ये जरूरी है कि आप पाशा हजरात का ताकुब करें। कभी भी अपने आप को बेनकाब ना होने दीजिएगा। आप सब बहुत काबिल सिपाही हैं लेकिन ये मत भूलिएगा कि पाशा भी काबिल है। शरबत वाला, शरबत वाले। जी जनाब। क्या ये सिरके या लीमू से बना है? जी लीमू से बना है ये जनाब। मुझे भी इन्हें लीमू की तरह निचोड़ना है। आपने कुछ कहा? कुछ नहीं, एक ग्लास दे दो। शुक्रिया जनाब। शरबत वाला। नंबर चार याकूबस्तान। जब से हमने अकाबा की तरफ पेशरफ्त की है उस वक्त से हम पर मुख्तलिफ अतराफ से बहुत से हमले हुए हैं। शुक्र है हमने उन सबको पसपा कर दिया। हमने रेल के लिए जो कारखाना खरीदा है वो कारामद है और हमारे दुश्मन इस बारे में बेबस हैं। लेकिन फिर भी हमें एहतियात बरतना होगी। हमारा अहम मसला अकाबा के बारे में बातचीत करना है। हम उस पर भी काम करेंगे तहसीन पाशा। हमने पहले पतारा में रेडियो टेलीग्राम स्टेशन के कयाम का हुक्म दिया था। एकामात की तामील हो चुकी है सुल्तान मोअज्जम। आफरीन, इसका मतलब है कि वो तलबा से रेडियो टेलीग्राम की मालूमात को बेकार में नहीं लेना चाहते थे। अगर हम बहरा रूम के मुख्तलिफ किनारों पर एक मवासलाती निजाम कायम कर लें तो हम वहाँ अच्छी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। हम भी यही चाहते हैं इस्माइल हक्की साहब। इंशाल्लाह अगर अंतालिया और तराबलुस के माबेन सरहद पर एक रेडियो टेलीग्राम लाइन कायम की जाती है तो हम अकाबा, मिस्र और सुइज के बारे में मजीद तेजी से मालूमात हासिल करने के काबिल हो जाएंगे और ये हमारे मुस्तकबिल के लिए बहुत अहम है। रेडियो टेलीग्राम लाइन के जरिए हम बहिरा रूम के मुखालिफ समंदरी साहिलों पर पहुंचने वाले हैं। तराबलुस तक तो हमारा रास्ता महफूज है सुल्तान मोअज्जम। पाशा हजरात महफूज शुदा दस्तावेजात के जरिए उन खानदानों की फहरिस्त बनाए जिन्होंने रियासत का इतमाद हासिल किया है।
हमें इस पर गौर करना चाहिए कि उन्हें किस तरह की जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। जो आपका हुक्म सुल्ताने मौसम। खबर की हिफाजत भी उतनी ही जरूरी है जितना इसे भेजना जरूरी है। ये मामला आप तीन लोगों के दरमियान रहेगा, वजीर आजम पाशा और दीगर पाशा। सिर्फ वही कुछ जान पाएंगे जो हम चाहेंगे। ये मामला आप तीनों के दरमियान रहना चाहिए, बसूरत दीगर नताइज के जिम्मेदार आप होंगे। अब्दुल हमीद ने मेरे पीछे आदमी लगाए हुए हैं, किसी भी लम्हे पकड़ा जा सकता हूं। आपसे मिलना वाकई बहुत खतरनाक है और मैं अब्दुल हमीद का एतमाद हासिल नहीं कर सका हूं। आप जल्द हासिल कर लेंगे पाशा, वो आप पर एतमाद करने लगेगा। यहां क्यों बुलाया है मुझे? मंसूबे का दूसरा हिस्सा बताने के लिए। आपने पहला हिस्सा अच्छी तरह सर अंजाम दिया। तलबा को कब्रिस्तान में जाने का हुक्म हमने ही दिया था और आपने उन पर गोलियां चलाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब मैं चाहता हूं कि आप उन्हें रात के वक्त महल से निकाल दें। क्या ये नामुमकिन है? क्यों? महल में मुझ पर कड़ी नजर रखी जा रही है, लेकिन अगर कोशिश के दौरान पकड़ा गया तो आपको मुझे महल से बाहर निकालना होगा, ये जान लीजिए। आपको खतरे में नहीं डाल सकता मैं पाशा, हमें आपकी महल में जरूरत है। आपके पास मेरी मेज पर मुलाकात की जगह का पता रखने की ताकत है। मेरे ख्याल से आप ये काम किसी और से भी करवा सकते हैं। मैं इसे संभाल लूंगा पाशा, संभाल लूंगा मैं। हमने अपनी तहकीकात मुकम्मल कर ली है सुल्तान मौसम। एलबी वानिसी, केंडा, एस मेरी लेविन के घराने और इनके मंदूब हाजी अहमद, उस्मर सलीम, मोहम्मद इब्राहिम और शेख सालेह। जब इस जिले में हमीदिया चौकी बनाई जा रही थी, रियासत की हिमायत करने से कभी पीछे नहीं हटे सुल्तान मौसम। औलाद अब्दुल जलील का कबीला हमारा वफादार है, वो तकरीबन 5,000 अफराद पर मुश्तमिल है। बिल्कुल सुल्तान मौसम, सुल्तान मौसम ये कबाइल नमक की तिजारत कर रहे हैं और माली के मसलक से ताल्लुक रखते हैं। इनके अपने कुछ उसूल हैं, गैर मुल्कियों और अजनबियों को अपने इलाके में हरगिज कबूल नहीं करते हैं। ये हमारे राजों की हिफाजत में खूबी करेंगे सुल्तान मौसम। महमूद पाशा और इस्माइल हकी साहब ने भी इससे इत्तफाक किया है। ठीक है, ये लीजिए। तो फिर औलादे अब्दुल जलील, अल बिवानसी और किंदा कबाइल को हम बगैर तार वाले टेलीग्राफ की जिम्मेदारी बिन गाजी और तराबलुस के इलाकों में तफवीज करेंगे। इनके और इनके खानदानों के नाम किसी भी दस्तावेज में दर्ज नहीं होंगे। जो आपका हुक्म। ये सिर्फ इस्माइल हकी साहब, महमूद पाशा और आपको मालूम होंगे। जी सुल्तान मौसम। इस दस्तावेज को हम खुद रखेंगे। इस मामले में हम कोई गफलत नहीं चाहते पाशा। वजीर आजम और दीगर पाशा हजरात को मालूम होगा कि हम रेडियो टेलीग्राम लाइन कायम कर रहे हैं, लेकिन इस सिलसिले में हम किससे रابطे में हैं यह राज रहेगा। कमांडर, हम लियोन का ताकुब क्यों कर रहे हैं? हम वहां छापा मारकर लियोन को हलाक कर देंगे और जकरियान को तलाश करेंगे। उस्मान वहां अंदर, उस जकरियान बदमाश के 30 आदमी हैं। हम दोनों अतराफ से हमला करेंगे, बस उस बदमाश को मेरे लिए छोड़ देना। ठीक है कमांडर। चलो फैल जाओ। क्या तुम्हें पता है अशरफ अजीज किस तरह का दिखता है? मौत की तरह। पकड़ के अंदर चलो।
चलो जल्दी अंदर चलो। तुम लोग इतने सारे होकर चार लोगों को नहीं मार पा रहे। वो हर तरफ से हमला कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते थे। अशरफ अजीज, तुम लोग मेरा ताकुब करते हुए अपनी मौत की जानिब आ गए हो। कमांडर को छोड़ दो। अगर तुमने कुछ हरकत की तो मैं इसका सर कलम कर दूंगा। हमने तुम्हारा ताकुब तुम्हारी मौत के लिए किया है। कमांडर, अब हम कहां जाएंगे? कहवा घर लेकर तताफ लाली को तकलीफ दी थी और अब इसको मारकर जकरियान को तकलीफ दी है हमने। अब हम खामोशी से इंतजार करेंगे उस्मान, देखते हैं क्या करते हैं वो लोग। कमांडर, ये इस बदबख्त लियोन के पास था। किसी ने मकतूब भेजा है इसे। उसने लिखा है कि जनाब, आप मुझसे अक्सर पूछते थे कि मैसन तंजीम में कैसे शामिल हो सकते हैं। तंजीम के अराकीन सेलानिक में कोलंबिया होटल में ठहरे हैं। अगर आप वहां जाएंगे तो यकीनन कोई सुराग मिल जाएगा। यह हमारा मसला नहीं है। रियासत का हर मसला हमारा मसला है उस्मान। जवानों, तैयारी करो और सेलानिक रवाना हो जाओ। कोलंबिया होटल में कयाम करना, अपनी आंखें और कान खुले रखना। अगर कोई भी मैसन का लफ्ज इस्तेमाल करे तो उस पर नजर रखना। वहां मौजूद हर एक का जायजा लेना और मुझे आगाह करते रहना, समझ गए? ठीक है कमांडर। वाह वाह वाह, मैं बहुत खुश हूं बेटा। और मैं खुश क्यों ना हूं? मैं महल में भूख से मरने ही वाला था। वो मुझे खाने में सिर्फ सलाद देते थे, मेरे सामने खानों की बातें करके भूख बढ़ा देते थे। आपने मेरे लिए इंशाल्लाह बहुत लजीज खाना तैयार किया होगा। इसे खोलिए जरा। मैंने बावर्ची से आपके लिए लजीज खाना बनवाया है पाशा। ये क्या है बेटा? कबाब कहनी है पाशा। अच्छा, दूसरा वो होगा इंशाल्लाह जिसकी मैं तवक्को कर रहा हूँ। ये भी दिखाओ बेटा। ये क्या है बेटा? ये खीर है पाशा। ये खीर है? ये क्या है बेटा? सब्जियों का शोरबा है पाशा। आपने सारा खाना ही सब्जियों का बना दिया है। मैं भेड़ बकरी नजर आता हूँ आपको क्या? मुर्गी कहाँ है? खुश गोश्त कहाँ है? कोफ्ते कहाँ है? जो असल खाना होता है वो कहाँ है बेटा? आपके लिए अच्छा है कि आप सब्जियाँ खाने को तरजीह दें। आपको मुर्गी खाने को मिलेगी लेकिन हर रोज नहीं। अगर मैं रोजाना मुर्गी नहीं खाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा बेटा। और आप मुझे इस तरह मशवरे दे रहे हैं जैसे कि आप बग्गीबान न हो बल्कि महल में इलाज करने वाले तबीब हो। जी वैसे भी आप मुझे महल में हर जगह बग्गीबान कहते हैं। मैं आपका भांजा हूँ पाशा। यकीनन तुम मेरे भांजे हो, लेकिन मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। मुझे तुम्हारी माँ भी पसंद नहीं थी, लेकिन ये तुम्हारी वजह से नहीं। जब तुम नहीं थे तब भी मैं उसे पसंद नहीं करता था। मेरी ये बात तुम अच्छी तरह जान लो। तुम भांजे की बजाय बग्घीबान ही ठीक हो। अब ये जड़ी बूटियाँ हटाओ यहाँ से, पाशा की शान के मुताबिक दस्तरखान लगाओ। मैं तबीब की तनख्वाह लेता हूँ और ये मेरा फर्ज है कि मैं आपके खाने का ख्याल रखूं। मैं मुर्गी ही खाऊंगा, जड़ी बूटियाँ नहीं। ले जाओ इसे, ले जाओ। इस टेलीग्राफ तार की खबर हरगिज किसी को नहीं होनी चाहिए, समझ गए ना तुम? किसी को भी नहीं। ठीक है पाशा, नहीं होगी। ये क्या है पाशा? इस संदूक को खोलो और इसमें मौजूद जो वर्दी है उसे पहन लो। तुम्हें फौरी तौर पर यहाँ से बाहर निकलना होगा। इन मालूमात के मुताबिक महल का एक मुहाफिज 5 तलबा को बाहर निकालेगा।
और उन्हें समंदर में फेंक देगा। तुलबा कहाँ है पाशा? नहीं जानता सुल्ताने मौसम। कैसे हो सकता है? आप वाकई अपने हवास खो चुकी हैं। वालिदा, ये आप क्या कर रही हैं?